आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। यहोवा यो कहता है कि मोआब के तीन क्या बरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उसके करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे, और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा, और मैं उसके बीच में से न्यायी को नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि यहूदा के तीन क्या परन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा के आग लगाकर और उसके यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि इस्राएल के तीन क्या परन चार अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपए के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूली का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए, और वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नाश किया था जिनकी लंबाई देवदारों की सी थी और बल बांझ वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नाश की। फिर मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 दिन तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ, और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने और तुम्हारे जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है कि क्या यह सब सच नहीं है? परंतु तुमने नाजिरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी मत करो। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसी पोलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाए, इसलिए वेग दौड़ाने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थ्य का सामर्थ्य कुछ काम न देगा, और पराक्रमी अपना प्राण बचा न सकेगा और धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा, और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा और न सवार भी अपना प्राण बचा सकेगा, और शूरवीरों में से जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है।